मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के 18 दिन बाद वीरवार को पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। 6 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों में मनोहर लाल ने हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। इस विस्तार के बाद सीएम मनोहर लाल समेत कैबिनेट में 12 मंत्री हो गए हैं। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे सांसद व विधायकों में से कुछ ने अर्थ प्रकाश मुख्य संवाददाता डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा से बात की और अपनी खुशी जाहिर की। राज्यसभा सांसद डीपी वत्स देखें क्या बोले। तो हमारे बीच में अब डीपी वत्स साहब राज्यसभा सांसद हमारे बीच में मौजूद हैं। वत्स साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्थ प्रकाश के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया स्वास्तिक जी। और जो आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है वो एक बड़ा बैलेंस्ड मंत्रिमंडल है जिसमें सभी इलाकों का भी ख्याल रखा गया है, पार्टियों का भी ख्याल रखा गया है। और बड़े स्वस्थ लगे मुझे मंत्रिमंडल में जितने लोग बैठे थे ऊपर, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, डेप्टी चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो ये पूरे 5 साल बढ़िया काम करेगा। तो सर, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर जजपा और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, इलेक्शंस के पहले इनके विचार डिफरेंट थे, अब एकदम इकट्ठा हो गए हैं, आपको लगता नहीं कि फ्यूचर के ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? जहाँ तक दुष्यंत का सवाल है, वो लोकसभा में भी हमारा सहयोगी दल का एक मेंबर पार्लियामेंट था और वो हमारा समर्थन करता था, तो उसको हमारे समर्थन का पहले भी अभ्यास है। अभी दुष्यंत के लिए एक बहुत बड़ा ऑफिस एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी सरकार चलाने का अनुभव, क्योंकि वो यंग लड़का है और उसको सरकार चलाने का अनुभव आने के बाद उसके काम आएगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में श्री डीपी वत्स साहब थे जो राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।